मैं बात करूंगी एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में, जिसको लेकर हम और हमारा समाज अभी तक नॉन सीरियस है, लेकिन जब तक हम सीरियस होंगे तब तक ये समस्या हमारे हिंदू धर्म की जड़ों को अंदर तक हिला चुकी होगी। लव जिहाद। लव जिहाद के पैटर्न्स के बारे में मैं कुछ पढ़ रही थी, एक पैटर्न का एग्जाम्पल देकर मैं आपसे बात करूंगी। कविता नाम की एक लड़की फेसबुक पर मिलती है एक रोहित दास नाम के लड़के के साथ। उनकी फ्रेंडशिप होती है। कुछ समय साथ रहने के बाद वो लड़का उस लड़की को कन्विंस कर देता है उससे शादी करने के लिए और उसके साथ उसके घर उड़ीसा बालासोर जाने के लिए। जब वो लड़की उसके साथ वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम रोहित दास नहीं बल्कि साजन शेख है। वो लड़की किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। एक लड़की तो भाग गई, लेकिन ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो भाग नहीं पाती हैं और फिर पूरी जिंदगी सेक्सुअली मेंटली टॉर्चर होती हैं, एक्सप्लॉइट होती रहती हैं। सबसे पहले उनके साथ क्या किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनको कन्वर्ट करने के बाद उनको सेक्सुअली मेंटली टॉर्चर किया जाता है और फिर उनको फोर्स किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, उनका वोम्ब यूज किया जाता है अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए। क्या हम इतने जागरूक हैं कि हम अपनी लड़कियों को इनके बारे में बताएं? क्या हमें ये पता है कि कैसे कैंपस फ्रंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रैकेट चलते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उन लोगों की फंडिंग होती है, इन लड़कों को एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स, बाइक्स, कपड़े दिए जाते हैं लड़कियों को ट्रैप करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे घर से ही शुरू होता है। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म की महानता के बारे में बताना चाहिए ताकि उन्हें हिंदू होने पर गर्व हो। और दूसरा, हमें अपनी लड़कियों को बचपन से ही लव जिहाद के एग्जाम्पल्स, पैटर्न्स और इसका पर्पस क्या है इन लोगों का लव जिहाद फैलाने का, उसके बारे में